और इस वक्त एक और बड़ी खबर, मुंबई के वर्सोवा में एक एलपीजी गोडाउन में भयानक आग लग गई है। आग लगने के बाद एक के बाद एक कई सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं, दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। राहत की बात यह है कि आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौजूद हैं जो इस पर काबू पाने के प्रयास में लगे हुए हैं। सिलेंडर की फैक्ट्री थी, चुनौती इस बात की है कि इसी गोडाउन के पास एक रिहायशी बिल्डिंग भी है, कहीं ये रिहायशी बिल्डिंग इसके जद में ना आ जाए, इसकी भी कोशिश लगातार जारी है और बिल्डिंग्स को भी आसपास की खाली करा लिया गया है। और अभी अभी ये जानकारी मिल रही है कि 4 लोग इस भयानक हादसे में जख्मी हो गए हैं, जिन्हें कूपर अस्पताल में एडमिट कराया गया है। कूपर अस्पताल में उनका इलाज जारी है। और फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए इकबाल सिंह की गिरफ्तारी पर पूरा अपडेट।